नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ नारायण कुमार। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। बांका में नागरिकता संशोधन बिल और सीएए के खिलाफ राजद नेता व कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में राजेंद्र नगर इंटरसिटी को रोका। वही बांका के मुख्य चौक गांधी चौक को जाम कर दिया, साथ साथ सरकारी कार्यालय व दुकान को भी बंद कराया। कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री व अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। दूसरी ओर जिला प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एमएम न्यूज टीम बांका। बिहार बंद का कॉल किया गया है, जिसमें महागठबंधन के सभी पार्टियों के द्वारा इसको समर्थन दिया गया है। और ये बंद जो है देश की जो संविधान है उसको तोड़ मरोड़ कर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश पर काला कानून लागू करना चाहती है। उसका जो मूलभूत आरएसएस का एजेंडा है उसको देश पर थोपना चाहती है। इसी के विरोध में आज पूरे महागठबंधन के साथियों के साथ बिहार बंद का आह्वान किया गया है और हम लोग आज सड़क पर है और लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक कि ये काला कानून सीएए और एनआरसी वापस नहीं होता है। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी सड़कों पर लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाते रहेंगे। ये देश में विभाजनकारी तत्व जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, 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 वापस लो, वापस लो, संविधान पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश में काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश में काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो।